जुमा के दिन सही अहादीस से पता चलता है कि एक घड़ी ऐसी आती है कि जिसमें इंसान जो अल्लाह से मांगता है वो उसको मिल जाते हैं, उसकी दुआ कबूल हो जाती। इस सात के एक मुतय्यन वक्त में इख्तलाफ है, यानी किस वक्त होती है ये घड़ी, इसके बारे में कई एक रिवायात मिलती है जो मुख्तलिफ है। वाहम मुस्लिम की मुफरिद रिवायतों में हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि इमाम के मिंबर पर बैठने के वक्त से लेकर नमाज के खत्म होने तक है। मुस्लिम की हदीस के मुताबिक इमाम के मिंबर पर बैठने के वक्त से लेकर नमाज के खत्म होने तक। एक और हदीस में है कि वो इमाम के खुतबे से फारिग होने से लेकर नमाज खत्म होने तक है। तो नमाज भी तो दुआओं का मजमुआ है, अगर उस दौरान वो घड़ी आ जाती है और आपका दिल नमाज में हाजिर है तो आप जो भी पढ़ रहे हैं कबूल हो जाएगा इंशाल्लाह। एक और हदीस में है कि वो इमाम के खुतबे से फारिग होने से लेकर नमाज खत्म होने तक है। हजरत जाबिर की हदीस में है कि वो असर के बाद की आखिरी सात है, यानी सूरज गुरूब होने से पहले का वक्त है। हजरत अनस की हदीस में है कि उसे असर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक तलाश करो। ये हदीस जो है ये हसन है, तिर्मिजी ने इसकी रिवायत किया। कौन सी? असर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। हजरत अबू बकर असरम ने कहा ये अहादीस दो वजहों से खाली नहीं, यानी इतना इख्तलाफ क्यों है, या तो बाज अहादीस बाज से ज्यादा सही होगी, यानी एक वजह तो ये है, और या फिर ये सात मुख्तलिफ औकात में मुंतकिल होती रहती होगी, जैसा कि लैलतुल कदर रमजान की आखिरी 10 रातों में मुंतकिल होती रहती, यानी एक जुमा को मसलन खुतबे के दौरान की घड़ी है और फिर किसी और में नमाज के बीच की, किसी और में असर के वक्त की। तो इस वजह से एक वक्त नहीं बताया, फिर तो क्या होता अगर एक वक्त पता चल जाता, बस उस वक्त में हम थोड़ा सा एहतमाम कर लेते और बाकी वक्त भूल जाते। या ये भी हो सकता है कि ये सारे औकात हो, यानी अगर एक घड़ी मिस हो गई तो अगली पे आप कैच कर लें उसको, वो मिस हो गई तो अगली पे चले जाएं, ताकि बार बार ध्यान रहे। ये अल्लाह की रहमत है कि हमारे लिए इतनी वसत रखी है।